नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और एक्स प्लेटफॉर्म पर अगर आपका अकाउंट है तो अब तक तो वो वीडियो आपने देख भी लिया होगा। एक प्रसिद्ध न्यूज चैनल में लाइव डिबेट के दौरान कुछ ऐसी बातें या कुछ आंखों से उनके कुछ ऐसे इशारे लोगों को नजर आए कि लोगों ने उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया कि प्रियंका जी, क्या आप दारू पीकर बैठी हैं। हालांकि इस केस में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, इसको लेकर एनएमएफ न्यूज कोई पुष्टि नहीं करता। अपने दावे के साथ हम ये बात नहीं कह सकते कि प्रियंका चतुर्वेदी की तबीयत खराब थी या फिर वो ड्रिंक करके बैठी थी। ये सारी चीजें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया का दौर है और ऐसे में लोगों ने ऐसा कहना शुरू कर दिया है। और ये आम लोग नहीं है, बड़े बड़े दिग्गजों ने भी, जो जिनको आप अक्सर लाइव डिबेट्स में बहस करते हुए देखते हैं, उन लोगों ने भी उद्धव ठाकरे की सांसद को टारगेट पर लेना शुरू कर दिया है और उनसे पूछा जा रहा है कि या तो आप क्लैरिफाई कीजिए कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी या फिर बताइए कि आखिर आप इस तरीके से नजर क्यों आई हैं। अब इस वीडियो में ऐसा क्या है ये आपको बता देती हूं, क्योंकि अगर मैं वो वीडियो आपको दिखाऊंगी तो कॉपीराइट इश्यू हो जाएगा। तो उस वीडियो में क्या है कि वो लाइव डिबेट में बैठी हुई है, अपना पक्ष रख रही है, एंकर भी वहां पर मौजूद है, लेकिन जिस तरीके से, जिस चिर परिचित अंदाज में प्रियंका चतुर्वेदी अक्सर नजर आती हैं, वो आक्रामक रवैया उनका इस बार नजर नहीं आ रहा। उनके शब्द लड़खड़ा रहे हैं, उनकी आवाज लड़खड़ा रही है और ऐसे में लोगों ने उनसे पूछना शुरू कर दिया है कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है, बताइए क्या गड़बड़ है। प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी वीडियो तो ऑब्वियसली देख ही ली होगी कि वो किस तरीके से ट्रेंड कर रही हैं, लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी पर अब तक उनका कोई बयान नहीं आया है, ना ही किसी शिवसेना नेता ने इस पर चुप्पी तोड़ी है। लेकिन हाँ, इन सब के बीच उनके और बयान जरूर आए हैं जिसमें वो बजट को लेकर बात कर रही हैं और तमाम मुद्दों पर उनकी बातचीत आप सुन सकते हैं जिसमें वो नॉर्मली बात कर रही हैं। लेकिन उस पर्टिकुलर वीडियो में जिसको आप एक्स पर जाकर देख सकते हैं, उसमें उनके स्वर लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद उन्हें कैसे टारगेट किया जा रहा है, जरा ये देखिए। नाजिया इलाही खान ने लिखा, मैडम प्रियंका चतुर्वेदी, यू आर नॉट वेल और यू आर टिप्सी, बट यू आर रियली ओबीडियंट फॉर कांग्रेस एंड राहुल गांधी। वृश्चिक राशि नाम के यूजर ने लिखा, प्रिय पीसी, तुम पी हुई सी क्यों लग रही हो। इसके अलावा वैभव मिश्रा नाम के यूजर ने लिखा, प्रियंका चतुर्वेदी जी संसद सदस्य हैं, उन्हें शायद खराब तबीयत के दौरान डिबेट में शामिल नहीं होना चाहिए था, ये मौसम भी ना कंट्रोल करने नहीं देता। अमरजीत सिंह नाम के यूजर ने लिखा, प्रियंका चतुर्वेदी जी की शायद तबीयत खराब है, उनको इस अवस्था में टीवी पर नहीं आना चाहिए। आपको क्या लगता है, ऐसा प्रियंका जी ने क्या लिया है जिससे उनकी आवाज बहक रही है? हो सकता है दीपक चौरसिया वाला टॉनिक ले लिया हो। सुखजिंदर सिंह वांडर बीजेपी इस शख्स ने लिखा, प्रियंका चतुर्वेदी शुड इमीडिएटली टेक अ मेडिकल टेस्ट, सीम्स शी इज ड्रंक एट द टाइम ऑफ डिबेट। तो देखा आपने किस तरीके से दिग्गज हस्तियां भी उन्हें ट्रोल कर रही हैं सोशल मीडिया पर, वो लगातार आलोचना का शिकार हो रही हैं। लेकिन क्या वाकई में वो किसी ऐसी परिस्थिति से उस वक्त गुजर रही थी जो वो शायद किसी को नहीं बताना चाह रही हैं, या फिर ये पूरा मामला वही है जो लोग कह रही हैं, ये प्रियंका चतुर्वेदी बेहतर जानती होंगी। एनएमएफ न्यूज ऐसे किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता है। वो वीडियो आप एक्सपर्ट्स जाकर जरूर देखिएगा और अगर आपने देख लिया है तो कमेंट सेक्शन में बताइए आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं।